असलम स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइन वेलकम टू न्यू क्लास क्लास नर्सरी दिस इज योर स्प्रिंग पैक फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट यू हैव टू राइट योर नेम हेयर आप यहाँ पर अपना नेम रईट करेंगे ओके ओपन दिस पेज वट इज डे टूडे mention the date here. The, today the date is 1st april 2021. and what is day today? today the day is thursday. today is thursday. okay. the topic is capital letters and the concept is recognition and writing practice of uppercase letter. okay. let's start our working. before start your working, complete your stationery. okay. आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आपके पास वन पेंसिल रेजर शॉर्पनर स्केल और कलर्स पेंसिल होनी चाहिए ओके मीन टू तो से आपने अपनी स्टेशनरी कंप्लीट करके फिर आपने जो है अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है ओके बिस्मिल्लाह रहमान राहीम बिफोर स्टार्ट एनी वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल रिशाइड बिस्मिल्लाह। ओके नाउ स्टार्ट योर वर्किंग the first letter is if put your pencil on this dot and make left slant line then right slant line sleeping line a, a. what comes after a, a? B, b standing line with two semicircle what comes after b, b? C, K. what comes after seeker d, d for writing of d you have to need one standing line with semicircle like this E F, f G H I E J, j K L M mm n, n O स्टूडेंट्स आपने ये बात रिमाइंड करनी है कि आपने वन लाइन में फोर लेटर्स को राइट करना है ओनली फोर लेटर्स को लुक एट दिस वन टू थ्री फोर आपने वन लाइन में कितने लेटर्स को राइट करना है फोर और आपने जब आप कैपिटल लेटर्स राइट करते हैं तो कैपिटल लेटर्स कौन सी लाइन्स में आते हैं अपर थ्री लाइन्स में वन टू थ्री वन टू थ्री कैपिटल लेटर्स जो हैं अल्फाबेट्स के वो सब लेटर्स कौन सी लाइंस में आते हैं अपर थ्री लाइंस में ओके okay? आपने बहुत प्यारी राइटिंग में ये ए एटिल पी राइट करनी है क्योंकि अब आप बिग क्लास में हो गए हैं नर्सरी क्लास में तो आपने अपनी राइटिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है और अपनी वर्किंग नीट एंड क्लीन करनी है आप वन टाइम में ए एटिल पी यहाँ तक राइट कर लेंगे आपके पास रिमेनिंग फोर लाइंस हैं वन टू थ्री फोर आपने अगेन एट एल पी यहां पे भी राइट करनी है ओके प्ले ग्रुप क्लास में आप ऑलरेडी एट एल पी की प्रैक्टिस कर चुके हैं लेकिन आज आपने इसकी रिवीजन करनी है आप सब ने बहुत प्यारी वर्किंग करनी है ओके okay? आपने अपनी वर्किंग कंप्लीट करने के बाद कंटेंट पेज पे आ जाना है दिस इज योर कंटेंट पेज द फर्स्ट टॉपिक इज अपर केस केट एल पी आपने ममा से यहाँ पे वीक नंबर राइट करवाना है ओके okay? जैसा कि आपका ये फर्स्ट वीक है तो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे फर्स्ट वन राइट करेंगे ओके ये स्प्रिंग पैक आपका क्लास वर्क है जो कि आपको जूम क्लासेस में रिपीट करवाया जाएगा और इस पर ही वर्किंग होगी और आपने इसका होमवर्क जो है वो आपको जो स्प्रिंग पैक के साथ नोटबुक सेट दिया गया है उसमें से आपने वन कॉपी इंग्लिश की ले लेनी है ठीक है इंग्लिश के लिए रखनी है ओके okay, स्टूडेंट्स आपने जो आ, क्लास वर्क आपको जूम क्लास में करवाया जाएगा उसका आपने होमवर्क जो है सेम एज इट इज़ आपने वो अपनी नोटबुक्स पे करना है जो ब्लू बेल्ट की नोटबुक आपको स्प्रिंग पैक के साथ दी गई हैं आपने उस पर लाइक जैसे ये आपके पास सैम्पल है आपने सेम एज इट इज़ ये पैटर्न फॉलो करना है लेकिन आप जितना इसको कलरफुल कर सकते हैं स्टूडेंट्स खुद कलरिंग करें ठीक है जैसे वो क्रिएटिविटी से अपना होमवर्क प्रेजेंटेबल कर सकते हैं वो आपके आप पे ख़ुद पे डिपेंड करता है स्टूडेंट वाइज आप जो है वो अपना होमवर्क जो है वो डेकोरेट और कलरफुल बना सकते हैं ठीक है थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़